हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? हेलो मैम, आई एम आल्सो फाइन. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट सम साउंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. पेज नंबर 87 ओपन करिए सभी लोग. स्क्रीन पे बुक दिखेगी, आप सब लोग हैंड शो कर देंगे. ठीक है, ओके, हैंड डाउन कर लो. ओके, सभी को बुक दिख रही है स्क्रीन पे? यस मैम. यस मैम. मैम लुक एट दिस लाइन फ्रॉम द पोएम. जो आप सभी ने पोएम रीड किया, पोएम क्या था? बेकिंग कुकीज या क्रिसमस कुकीज? पोएम का क्या नाम है बेटा? क्रिसमस कुकीज. क्रिसमस. आप सभी ने क्रिसमस कुकीज पोएम को रीड किया है, उसी पोएम से यहाँ पे कुछ लाइन राइट की गई हैं. कौन सी लाइन यहाँ पे है राइट? चलिए रीड करिए अंकुर. पीटर क्लटर बेकिंग टिन्स कुकीज कटर रोलिंग पिंस. ओके, क्लटर क्लटर बेकिंग टिन्स कुकी कटर्स रोलिंग साउंड ऑफ अटेंसेस मेक. यहाँ पे देखिए क्लिटर क्लैटर जो डिस्क्राइब कर रहा है उस साउंड को. किसके साउंड को? जो अटेंसेस में जो बर्तन होते हैं, रसोई घर में जो बर्तन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अटेंसेस बोलते हैं. तो जो उसमें आवाज होती है उसकी आवाज कैसी होती है? क्लिटर क्लैटर की आवाज. आप सभी ने देखा होगा बर्तन में जो आप रखते हो, उसको गिलास है या कटोरी कुछ भी है, तो उसकी आवाज होती है ना रखने पर, एक दूसरे में टच करते हैं तो. यस मैम. तो उसी के साउंड को क्या बोलते हैं? क्लिटर क्लैटर बोलते हैं, जो अटेंसेस का साउंड होता है. ओके, तो अटेंसेस के साउंड को क्लिटर क्लैटर बोलते हैं. चाहे जो भी अटेंसेस हो सकता है, बाउल है, ग्लास है, प्लेट, उन सभी का साउंड जो है क्लिटर क्लैटर ही होता है. सभी इसी आवाज उनकी निकलती जब एक दूसरे में टकराते हैं, अटेंसेस, तब उनकी आवाज निकलती है क्लिटर क्लैटर की. दीज आर डिफरेंट वर्ड्स टू डिस्क्राइब डिफरेंट साउंड. यहाँ पे और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो कि अलग अलग साउंड को डिस्क्राइब करते हैं. ओके, यस. चलिए आप देखते हैं और कौन से वर्ड यहाँ पे राइट हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही क्लोज द डोर विथ अ बंग. उसने दरवाजे को बंग के साथ क्लोज किया, बंद किया. उसकी दरवाजा बंद किया तो दरवाजे की जो आवाज निकली बंद करने पर, आवाज कैसी थी? बंग. कैसी आवाज थी बेटा? बंग. आप लोग दरवाजा बंद करते हो, विंडो बंद करते हो, देखो आवाज निकलती है ना उससे. Yes, ma'am. तो वैसे यहाँ पे देखिए उसकी आवाज होती है बंग. वह बंग आवाज का निकलता है. बंग द साउंड्स मेड व्हेन अ डोर क्लोज विद ग्रेट फोर्स. जब हम ग्रेट फोर्स मीन्स जब बल देंगे, अधिक बल देके जब दरवाजे को हम बंद करते हैं तो उसमें जो साउंड होता है वह बंग की साउंड होती है. ठीक है, नेक्स्ट आपका, आई कैन हियर द टिक टॉक ऑफ द क्लॉक एट नाइट. आई कैन हियर द टिक टॉक. मैं सुन सकता हूँ टिक टॉक का साउंड. टिक टॉक का साउंड किसमें निकलता है? क्लॉक से. क्लॉक से, जो घड़ी होती है रात में, देखो बजती रहती है, टिक टिक करती है ना. यस मैम. दिन में उसकी आवाज कम सुनाई देती है, लेकिन रात में घड़ी की आवाज ज्यादा सुनाई देती है, टिक टिक करती है. तो अनन्या सुनते हो कि नहीं आप बेटा? ओके, तो जो क्लॉक होती है वो रात में टिक टिक करके बजती है, उसकी आवाज कैसी होती है? टिक टॉक. क्या होती है दिव्या? टिक टॉक. टिक टॉक. ओके,
टिकटॉक द साउंड मेड बाय द क्लॉक, जो टिकटॉक साउंड है वह बनाया गया है किसके द्वारा, क्लॉक के द्वारा, टिकटॉक की साउंड जो है बनाई गई है। और भी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके साउंड आप बता सकते हो बेटा? चलिए बताइए। ओके चलिए बेटा आप बताइए। अंकुर आवाज जा रही है आपको? इसमें और भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साउंड बताइए जो आपने सुना हो। मैम जब हम बैग की चेन बंद करते हैं मैम तो मैम आवाज आती है सिर की। ओके अच्छा बर्ड्स की साउंड कैसी होती है जो पक्षी लोग होते हैं? किसी वर्ड्स के साउंड बताइए अंकुर, एनी वर्ड्स। चलो अनन्या आप बताइए। अनन्या आवाज जा रही है आपको बेटा? माइक ऑन करके बोलिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का साउंड बताइए। जैसे आप पूरी चीज बनाते हो, आप पूरी बनाते हो तो उसकी आवाज कैसी होती है, तेल में डालने पर उसकी कैसी आवाज होती है ऑयल की, तो उसको गर्म करते हो ऑयल को कुछ आवाज होती है ना, कैसी आवाज होती है वो बताइए। छन छन की आवाज होती है ना। चलिए बेटा आप बताइए दिव्यांशी। जब पक्षी जो है जब चहचहाते हैं तो उस आवाज को हम क्या बोलते हैं? चिरिपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिरिपिंग, पक्षियों का चहचहाना, चिरिपिंग की आवाज होती है पक्षी चहचहाते हैं तो। और अच्छा बताइए कैट की आवाज कैसी होती है? कैट भी तो आवाज निकालती है। यस म्याऊ। म्याऊ आवाज निकालती है। अच्छा पीकॉक की आवाज कैसी होती है फिर? पीकॉक एंड कैट की आवाज कुछ मिलती है ना? यस मैम। मिलती है ना? यस मैम। ओके अच्छा चलिए आप बताइए हमें दिव्या, डॉग की कैसी आवाज होती है? डॉग की भौं भौं करता है। ओके कनीश आप बताइए काऊ कैसे साउंड निकालती है? काऊ बुफैलो, काऊ एंड बुफैलो कैसे साउंड, इनका साउंड कैसा होता है, कैसी आवाज निकालती है दोनों? बेटा वीडियो ऑन करिए प्राची, सलोनी, अंकुर, दिव्यांशी, वीडियो ऑन करिए। चलिए बताइए अंकुर आप ही बता दो काऊ की आवाज कैसी होती है? नहीं पता। नहीं पता काऊ की आवाज कैसी होती है? अनन्या यू टेल। काऊ की आवाज नहीं पता। अभी देखो यहाँ पे राइट किया गया काऊ की आवाज। आइडेंटिफाई द डिफरेंट साउंड्स वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस राइट किए गए हैं, इस सेंटेंस में आपको साउंड को अंडरलाइन करना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे राइट है द जेंटल मूविंग ऑफ काउज फील्ड आवर ईयर्स। जो काउज की, जो काऊ की आवाज होती है, गाय की जो आवाज होती है मूविंग, उसने देखिए हमारे कानों को भर दिया है। तो यहाँ पे देखिए काऊ की आवाज कैसी है साउंड? मूविंग की साउंड है। कैसी है बेटा? मूविंग। आप इसको अंडरलाइन करिए मूविंग को। रमहाना होता, मूविंग मीन्स रमहाना, का जो गाय जो है रमहाती है, तो इसकी आवाज को बोलते हैं मूविंग, रमहाना होता है, ठीक है? देन आगे देखते हैं सेकंड में द लाउड बूम ऑफ थंडर स्केयर द डॉग्स। यहाँ पे देखिए साउंड क्या निकल रहा है? बूम बूम। तो बूम को अंडरलाइन करेंगे, जो आवाज आई बादल के गरजने की
तो से डॉग जो है भयभीत हो गया. देन बी कुड हियर द रोर ऑफ द लायन ऑल ओवर द जू. अब बताइए लायन की आवाज कैसी होती है. रोर. रोर मीन्स क्या होता है, जो लायन होते हैं वो डहाड़ते डहाड़ता होता है. तो यहाँ पे रोर को आप अंडरलाइन करेंगे, आर ओ ए आर, रोर. देन करना पड़ेगा अंडरलाइन की, कर लोगे आप सभी. मैम कर लेंगे. हाँ तो इसे आप कर लेना कंप्लीट करने के बाद. अभी सेशन एंड हो जाएगा, फिर आप सभी अपने वर्क की फोटो सेंड करेंगे ग्रुप में. ठीक है, पहले सेंड करते थे. ओके यस मैम. तो सभी को सेंड करना है. यस मैम. दी में देखते हैं, द बर्ड्स वर क्रीपिंग इन द गार्डन. गार्डन. अब देखिए यहाँ पे साउंड कैसा हो रहा है, कौन सी साउंड यहाँ पे राइट की गई है. ओके स्टॉप वेट. ओके तो बर्ड्स के साउंड कैसे है, चिरपिंग. तो चिरपिंग को आप अंडरलाइन करेंगे, जो पक्षियां थे बगीचे में चहचहा रही थी. Then the cars. पकड़ना पड़ेगा. The cars skitched to the halt. Halt means होता है बाजार, या आप बोल सकते हो प्रदेश. तो यहाँ पे देखिए, the car skitched means skitched means रुकना होता है. जब कार देखिए, जब कोई भी व्हीकल से रुकती है तो उसमें आवाज होती है ना कुछ. Yes, ma'am. यहाँ पे हम स्क्रीच्ड को अंडरलाइन करेंगे, स्क्रीच्ड को. चलो आगे देखते हैं. लुक एट दीज पिक्चर्स, चूज द करेक्ट साउंड वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे पिक्चर देखना है, पिक्चर से आपको क्या चूज करना है, करेक्ट साउंड. पिक्चर देखते हुए आपको राइट करना है कि इससे साउंड कैसी होगी. अगर ऐसा हम करेंगे तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की साउंड कैसी होती है. यहाँ पे देखिए, चलिए नोट करते हैं. पहला है, यहाँ बॉक्स में राइट किए गए हैं ढेर सारे जो है वर्ड्स राइट है. कौन कौन से वर्ड्स राइट है, चलिए रीड करिए अंकुर पहले. यहाँ बॉक्स में कौन कौन से वर्ड राइट है, सभी साउंड है ऑब्जेक्ट्स के. स्पेल्स. थर्ड. थर्ड. क्रैकर्स. साइजल. क्रैश. स्नैप. ओके चलिए बताइए, यहाँ पे पिक्चर फर्स्ट देखिए. यहाँ पे इसका ऐसा चुटकी बजाते हो, क्या बजाते हो, चुटकी ऐसे बजाते हो तो कैसे साउंड निकलती है बताइए. मैम क्रैक. स्नैप. क्या बोलते हैं उसको, स्नैप बोलते हैं. स्नैप जो हमें यहाँ पे जो फिंगर से आवाज होती है ऐसे करने पर, उसको हम चुटकी बोलते हैं. स्नैप होता क्या होता है, स्नैप. स्नैप को आप यहाँ पे क्या करना, राइट करना है स्नैप. यहाँ बगल में आप राइट कर सकते हो स्नैप. स्पेलिंग क्या होगी स्नैप की, एस एन ए पी स्नैप. सभी को आया समझ में. प्राची सलोनी चौहान. yes, ma'am. राइट भी करते रहेंगे आप लोग बुक में, ठीक है. yes, ma'am. चलो आगे हम लोग देखते हैं, इसको बताएंगे अनन्या. बेटा माइक ऑन करिए. अब बताइए, अगर बर्तन टूटते हैं, कोई कांच का बर्तन है तो उसकी आवाज कैसी होती है. ओके चलिए आप बताइए दिव्यांशी. यहाँ पे देखिए, चीनी मिट्टी के बर्तन से आपका कप होता है वैसे ही, तो यहाँ पे इसको गिरने पे टूटने पे कैसी आवाज आएगी. यस अंकुर. क्रैश. क्रैश. यस गुड. सलोनी आप बताइए बेटा, प्लेट टूट गया है तो इस टूटने पर इसकी आवाज कैसी हुई होगी.
नहीं बोलेंगी. दिव्या बेटा आप बताइए. स्क्रैच. दिव्या यू टेल. एन स्क्रैच. इस क्रैश नहीं होगा यहाँ पे. क्रैश होगा. क्या होगा? क्रैश. क्रैश मीन्स गिरकर ध्वस्त होना. क्रैश का मीन्स होता है गिरकर ध्वस्त होना, नष्ट हो जाना. उसी को क्रैश बोलते हैं. ठीक है? तो अगर बर्तन गिरेगा तो नष्ट हो जाएगा ना. अगर नीचे गिरेगा, ऊपर से स्टील का नहीं है कोई ग्लास है, शीशे का बर्तन या चुचनी मिट्टी का बर्तन होता है, अगर वो गिरता है ऊपर से आप नीचे गिरा देते हो उसको, तो क्या होता है? टूट जाता है ना, बिखर जाता है नीचे, गिरकर ध्वस्त हो जाता है. उसी को क्रैश बोलते हैं. नीचे गिरकर ध्वस्त होना. ओके. यस मैम. राइट करिए क्रैश. क्रैश की स्पेलिंग क्या होगी? बताइए क्रैश की स्पेलिंग. प्राची. M-C-R-A-S-H. C-R-A-S-H. Crash. Okay. Then, अब देखिए यहाँ पे नंबर सी में देखिए पिक्चर बना हुआ है, उसमें कौन सा साउंड निकलेगा? उसको अगर अलग करेंगे तोड़ेंगे तो उसमें कौन सा साउंड निकलेगा? क्या है? एग है ना? यस मैम. थर्ड. नो बेटा. इसमें क्रैक होगा. क्या होगा? क्रैक. दरार पड़ना, कड़क जाना. क्रैक में दरार पड़ना, जब बीच में दरार पड़ गई इससे वह अलग हो गया, तो क्रैक में होता दरार पड़ना. यहाँ पे क्रैक राइट करिए. सी आर ए सी के क्रैक. ये ऑप्शन सी आर ए सी के क्रैक. चलिए आगे देखते हैं. अब यहाँ पे देखिए उस पे देखिए गैस पे पैन रखा हुआ है, गर्म हो चुका. अगर उसमें हम थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं तो आवाज कैसी आती है? देखिए ऑयल जब गर्म होता है गैस पे रखने के बाद, अगर उसमें थोड़ा आप वाटर डाल देते हो, वाटर गलती से पड़ जाता है उसमें, देखिए उसमें आवाज आती है, तो आवाज कैसी आती है उसकी? मैम सिजल. जो जलना होता है उसको सिजल बोलते हैं. जलने की आवाज आती है ना, जलता है जो, तो उसको सिजल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिजल. तो यहाँ पे सिजल करेंगे. SIZZLE. सिजल नोट कर लीजिए. चलो आगे तो देखते हैं. नेक्स्ट है. आप देखिए यहाँ पे आप सभी लोग को पता होगा इसकी आवाज कैसी होती है. जब हम पानी में प्ले करते हैं बरसात के मौसम में, सभी बच्चे देखिए वाटर में प्ले करते हैं, खेलते हैं, छप छप करते हैं. करते हैं ना? आप लोग भी करते होंगे छप छप. अनन्या छप छप पानी में मजा आता है करने में, तो उसका साउंड को क्या बोलते हैं? साउंड निकलता है पानी में कूदने पर, जो साउंड निकलता है वाटर की साउंड आती है, कैसी आती है? बेटा आपके यहाँ नेटवर्क नहीं होगा इसलिए आपको आवाज नहीं जा रही है. हम भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए क्या राइट करेंगे? अनन्या बताएंगी. यस अनन्या बोलिए बेटा. स्पेल्स. स्पेल्स में होता है छप छप. स्पेल्स क्या राइट करेंगे? स्पेल्स में छप छप होता है. तो यहाँ पे राइट किया गया, इसको नोट करिए. स्पेल्स. SLAS. स्पेल्स में छप छप. नोट कर लेंगे सभी लोग ना? यस मैम. ओके. अब चलिए यहाँ पे देखिए व्हीकल्स है या कार ही बोल दो आप. यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी आवाज कैसी, यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम लोग? स्लीच. जब तेज से चलती है तो आवाज निकलती है उसमें ना. यहाँ पे देखिए नोट किया गया है स्क्रीच. क्या बोलते हैं इसको? स्क्रीच. फटफट की आवाज करना. स्क्रीच. स्क्रीच में जो फटफट की आवाज होती है
वेकल्स में निकलती रहती है फटफट की आवाज, तो यहाँ पे स्नीज राइट करेंगे, नोट कर लीजिए एस सी आर डबल ई सी एच स्नीज। आवाज जा रही है सभी को प्रॉपर? यस मैम। यस मैम। ठीक है नोट कर लो मैम, नोट किए। थोड़ा सुनकर बेटा वीडियो ऑन करिए, बाकी सभी लोग तो स्लीप कर चुके हैं सेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए एक और बचा हुआ, इसमें यहाँ पे दो। अब कोई जमीन पर गिरता है तेजी से, सपोज़ आप भी कभी गिरे होंगे नीचे, तो गिरते हो तो आवाज कैसी होती है, गिरने की आवाज आपकी कैसी निकलती है? हेड की आवाज। कभी गिरी हो बेटा दिव्या नीचे जमीन पर? नो मैम। कभी नहीं गिरी हो अनन्या? बेटा आप कभी गिरी है कि नहीं जमीन पर चलते समय? या सोते समय गिर गई हो आप, बेड से नीचे गिर गई हो सोते समय, ऐसा कभी हुआ है? मैम बेड पे गिरे हैं। बेड पे गिरी हो, बेड से नीचे नहीं गिरी हो? नो मैम। ठीक है सूरज सोन का बेटा, आप कभी गिरे हैं नीचे? जैसे आपको अगर कोई भी गिरता है तो आप लोगों को बहुत हंसी आती है, स्कूल में भी कोई आपका आपके क्लासमेट गिर जाते हैं नीचे दौड़ते समय तो आप बहुत हंसते हो, हंसते हो ना? यस मैम। खुद गिरते तो yes. हंसी आती है, कोई दूसरा गिरता आपको बहुत हंसी आती है, तो गिरने की आवाज क्या निकलती है? गिरता कोई तो आवाज क्या होती है? थड की आवाज। कैसी आवाज निकलती है? थड। यहाँ पे नोट करेंगे थड, टी एच यू डी थड। एच में देखिए जो आग जलती है तो उसमें कैसी आवाज होती है? क्रैकल बोलते हो, क्या बोलते हैं? आवाज होती है आग की, क्रैकल। यहाँ पे क्रैकल नोट करेंगे, ठीक है? तो इसे आप सभी कंप्लीट कर लेंगे। नंबर थर्ड देखते हैं, राइट अ पैराग्राफ यूजिंग साउंड वर्ड। You can also use sound words other than the one given in the box. Write a paragraph using sound words. यहाँ पे कुछ sound words दिए गए हैं। बेटा आवाज जा रही है? Yes ma'am. Yes ma'am. तो यहाँ पे कुछ sound words दिए गए हैं। इन्हीं का use करते हो आपको कुछ paragraph write करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स राइट है साउंड वर्ड्स, इन्हीं का यूज करके आपको पैराग्राफ राइट करना है। जैसे यहाँ पे राइट है बॉक्स में, चलिए इसको रीड करिए प्राची, बॉक्स में कौन कौन से वर्ड राइट किए गए हैं? मैम बैंग, बैंग जो धमाके की आवाज होती है, बैंग और वैम, क्रैक, आउच, बूम, थर, पॉप, बीप, ये सभी साउंड है, इन्हें का यूज करते हो आपको पैराग्राफ राइट करने। पैराग्राफ कैसे राइट करोगे आप? फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ऐसे ही आपको पैराग्राफ नोटबुक में राइट करना है इन सभी का यूज करते हुए, या आप कोई और भी साउंड्स यूज कर सकते हो, किसी और का भी, किसी और भी ऑब्जेक्ट के साउंड यूज करके आप पैराग्राफ बना सकते हो, ठीक है? यहाँ पे नोट किया गया है, आई वॉज ड्राइविंग माई कार, मैं अपने कार को ड्राइव कर रहा था, सडनली अचानक क्या होता है? अ कैट फेल फ्रॉम द ट्री विद अ थड। एक चिड़िया जो है, सॉरी अ कैट, एक कैट जो है फेल मींस गिरी, कैसे गिरी? फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे गिरी विद अ थड, थड की आवाज करते हुए, कैट जो है पेड़ से नीचे गिरी। कब गिरी? जबकि मैं कार को ड्राइव कर रहा था, अचानक एक कैट, एक बिल्ली पेड़ से नीचे थड की आवाज करते हुए गिरी। आई नेक्स्ट क्या है? आई अप्लाइड द ब्रेक्स, मैंने ब्रेक्स को अप्लाई किया। ब्रेक लगाते हैं ना सभी लोग, रुकने के लिए ब्रेक लगाते हैं ना व्हीकल्स में, तो मैंने अपने कार में ब्रेक लगाया रुकने के लिए, एंड द कार स्क्रीच्ड, और कार जो है स्क्रीच की आवाज करते हुए रुकी। टू आई स्टॉप मींस रुकी, आवाज कैसी हुई? स्क्रीच्ड की आवाज हुई, कार की रुकने की आवाज को बोलते हैं स्क्रीच्ड। देन द कैट स्टूड लुकिंग एट टू मी,
इन सॉ, जब कार रुकी तो जो वहां पे कैट गिरी थी नीचे, वह मुझे चौक के देखने लगी, मुझे देख के शॉक रह गई। अचानक मुझे मतलब सामने उसके मैं आया, वहां कैट जो थी वहां पे मुझे देखते हुआ रुकी और शॉक, उसके शॉक लग गया उस कैट को, मतलब मुझे अचानक देख रही थी। देन I snapped my fingers at it. मैंने क्या किया उसके ऊपर, क्या किया अपना जो मेरा फिंगर है उसे स्नैप किया, मैं चुटकी बजाई हाथों से, क्या किया चुटकी बजाई, तो इससे क्या हुआ इट म्यूट। अब देखिए कैट की आवाज कैसी हुई, म्यूट, उसने म्यूट की आवाज की एंड रन अवे, वहां से भाग गई। मैंने जब अपना फिंगर बजाया, फिंगर की आवाज कैसे हुई स्नैप्ड, हमने मेरे फिंगर को हमने स्नैप किया, चुटकी बजाई, उसके बाद से वह म्यूट की आवाज करते हुए वहां से गायब हो गई, वहां से दौड़ के भाग गई जो कैट थी। तो ऐसे ही आपको पैराग्राफ राइट करना है, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स राइट है इनका यूज करते हुए, अगर आप इनका यूज नहीं करते हो कोई और भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, कोई साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट का साउंड यूज कर सकते हो या किसी भी एनिमल्स का, किसी भी वर्ड्स का साउंड यूज करके राइट कर सकते हो पैराग्राफ को। ठीक है, सभी को आ गया समझ में? मैम सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस ही पैराग्राफ है, सेंटेंस बनाना है। हाँ तो सेंटेंस बना के ही पैराग्राफ राइट करेंगे ना, जैसे यहाँ पे राइट किया गया पैराग्राफ, यहाँ पे देखिए ऐसे ही आपको राइट करना है सेंटेंस। हाँ नोटबुक में राइट करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे राइट किया आप इसका हिंट ले सकते हो, ऐसे आपको पैराग्राफ राइट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस वर्ड को भी यूज कर सकते हो, इसके अलावा भी आप वर्ड्स यूज कर सकते हो, कोई भी नहीं कि आप इसी वर्ड्स को यूज करो, और भी जो भी साउंड वाले वर्ड्स हैं उनको यूज कर सकते हो पैराग्राफ राइट करने के लिए। चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं बुक सी में, इसे आपको आज सेंड करना बुक ए का वर्क, ठीक है, बुक सी का भी आज ही सेंड करना, क्योंकि आपका डेली क्लास चलेगा इंग्लिश का, तो डेली आपको वर्क दिया जाएगा, तो आज जितना भी वर्क दिया जाएगा आप सभी लोग सेंड करेंगे इंग्लिश, यहाँ पे बुक ए के भी वर्क को सेंड करेंगे, अभी बुक सी के जो वर्क है उसको भी आज ही सेंड करेंगे आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों के पास 4 o'clock तक टाइम है, आप सेंड कर सकते हो, उसके पहले ही 4 o'clock के बाद नहीं सेंड करना है। चलो देख लेते हैं बुक सी में वर्क क्या है, इसको करना है ना, टिक द करेक्ट साउंड वर्ड्स, यहाँ पे आप देखना और करेक्ट साउंड वर्ड्स को टिक करना। वेट, जैसे यहाँ पे राइट है साउंड मेड बाय बेल, जब बेल लगती है घंटी बजती है तो उसकी आवाज कैसी होती है, चलिए बताइए कोई, कौन बताएगा, हु वांट टू टेल, यस अनन्या, ट्रिंग, ओके, बेल जो ट्रिंग ट्रिंग बजती है। नेक्स्ट है साउंड ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग मीन्स जब बिजली चमकती है तो उसकी आवाज कैसी होती है बेटा, यस अनन्या, क्रैक, देखो जब बिजली चमकती है तो इसकी क्रैक बन जाता है ना, लाइन बन जाता, दरार पड़ जाता है उसमें, आप देखते हो बादल में दरारें पड़ जाती हैं, तो उसी को क्रैक बोलते हैं। देन साउंड ऑफ एयर व्हेन इट रिलीज फ्रॉम अ बैलून, जो एयर का साउंड होता है, जो हवा की आवाज होती है, कब, जब वह बैलून से बाहर निकाली जाती, रिलीज मीन्स छोड़ी जाती है, फ्रॉम अ बैलून, बैलून से बाहर छोड़ी जाती है, बैलून को फुलाते हैं, अगर उसको हम खोल देंगे, उसका माउथ ओपन कर देंगे बैलून का, तो उसमें जो हवा डालते हैं वो बाहर निकलती है ना, क्यों, तो उसकी साउंड कैसी होती है, एयर की साउंड कैसी होती है बाहर निकलने पर, क्या बोलते हैं उसको, गुड, वाटर फॉलिंग इन ड्रॉप्स फ्रॉम अ टैप, जब टैप से वाटर नीचे गिरता है, टैप से टोटी होती है, उससे जब वाटर नीचे गिरता है तो उसकी आवाज कैसी होती है, ड्रिप, ड्रिप, कैसी आवाज होती है, ड्रिप की आवाज, तो ड्रिप को आप पिक करेंगे। नंबर सेकंड, चूज 3 साउंड्स वर्ड्स ऑफ योर चॉइस एंड मेक सेंटेंस विद देम, चूज 3 साउंड वर्ड्स, आप कोई भी 3 साउंड वर्ड्स चूज करना, कोई भी साउंड वर्ड्स जिन्हें भी आपने रीड किया इसमें,
या अलग से भी आप चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद एंड मेक सेंटेंस विद देम और उनका आपको सेंटेंस बनाना है। ओके कोई भी साउंड वर्ड्स है जो यहाँ पे राइट किया गया बुके में आपने जो रीड किया उसमें साउंड वर्ड्स है उसमें से कहीं से भी आप साउंड वर्ड्स 3 साउंड वर्ड्स यूज करना और उनका आप यहाँ पे सेंटेंस बना के सेंड करना। ओके यस मैम। तो इसे आप लोग सेंड कंप्लीट करके आज सेंड करेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। साची पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप? सूरज सोनकर बुक है आपके पास? सूरज सर जितने लोग ज्वाइन किए सबके पास बुक होगी। दिव्या के पास भी बुक है, जहा सलोनी के पास भी है, दिव्यांशी के पास भी, अनन्या के पास भी है। तो आप सभी लोग अभी सेंड करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करो जिससे कि आपको नए क्लास के सिलेबस पढ़ाया जाना स्टार्ट हो जाए। तो इसे आप लोग सेंड करेंगे। किसी को कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। तो आप लोग डेली वन पेज राइटिंग भी करेंगे, वन पेज इंग्लिश की, वन पेज इंग्लिश हिंदी की, करते हो कि नहीं करते हो? मैम करते हैं। हाँ तो करते रहो, जब भी स्कूल ओपन होगा तो आप सभी का चेक किया जाएगा। ओके मैम हम लोग को कर्सिव दिया गया था, कर्सिव करते हैं। हाँ कर्सिव कंप्लीट कर लो, बुक कर्सिव की और जो आर्ट की बुक हो से भी कंप्लीट कर लेना ड्राइंग करके, ठीक है? यस मैम। ओके किसी को पूछना है कुछ? नो मैम। ओके गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय।